हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं आज कुछ मैं नया लेके आई हूँ। 2 चम्मच मात्र तेल डाली हूँ, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, लाल मिर्च, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा ढोलकी, स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ और इसमें ऐड करूँगी पानी। उसके बाद सूजी मैंने पहले ही से नाप के रखी थी, 1 कटोरी पानी में, 1 कटोरी सूजी में 1.5 कप पानी लगता है। इसका अच्छा से मैंने एकदम मेल्ट किया है, खूब अच्छा से इसको मैश मैश के अभी हाथ से भी मलूंगी ताकि सॉफ्ट पड़ जाए। इसमें मैंने आलू छील के रखा है, 1 आलू ऐड करूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद आलू ऐड करेंगे। आलू डालूंगी, उसके बाद थोड़ा सा चीज डाल दूंगी और उसका खूब अच्छा से हाथ से मसल मसल कर मिला दूंगी। इतना ही मैंने काम भर मिलाना है, उसका बाद इसको खूब अच्छा से मिलने के बाद ठंडा हो जाएगा। उसका बाद इसका लोई बनाएंगे, लोई बना के लंबा लंबा इसको करेंगे और इसका लंबाई से इस हिसाब से चाकू से काटेंगे। तब तक तेल गरम कर रहे हैं, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे तेल, काम भर करेंगे। अब इसको कटिंग करेंगे हल्का हल्का, इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, उसका बाद निकालेंगे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर हो गया है डीप फ्राई। एक मेरा बहू चीज डाल के खाली बनाई है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसका आवाज़ भी बहुत सुंदर है, खर खर एकदम करता है। और इसका सॉस के साथ खा सकते, सॉस, हरा चटनी, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बन गया है। अब इनको दे रहे हैं, शाम का नाश्ता है, बोले कि कुछ बनाओ, तो मैंने यही बना दिया। मुझे यही आसान लगा, जल्दी जल्दी मैं यही बना दिया। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।